स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। मैं हूं हरिओम सबरवाल। तो कमांडो मूवी सीरीज का तीसरा और आखिरी पार्ट कमांडो 3 रिलीज हो चुका है और सच बताऊं तो मुझे बहुत खुशी है कि ये आखिरी पार्ट है। मुझे पर्सनल तौर पे समझ नहीं आया कि कमांडो 2 के बाद कमांडो 3 रिलीज करने की ज़रूरत क्या थी, बनाने की क्या ज़रूरत थी, और खास करके तब जब आप अपनी पिछली गलतियों से सीख ही नहीं रहे हो। बेसिकली कमांडो करणवीर सिंह डोगरा का किरदार जो कि विद्युत जामवाल कर रहे हैं, इसको ब्रांड बनाने की एक नाकाम कोशिश की गई है। देशभक्त हीरो आइकॉन तैयार करने की डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर ने पूरी पूरी कोशिश की है, जिसमें वो पूरी पूरी तरीके से फेल हो गए। स्क्रिप्ट देशभक्ति की थी, पैट्रियाटिक थी, पर क्योंकि इसमें विद्युत जामवाल मेन लीड में हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन एक्शन हीरोज में से एक हैं, सिर्फ इसीलिए इसमें डायरेक्टर ने ज़बरदस्ती एक्शन घुसाया है वहाँ पर भी जहाँ पर ज़रूरत लग नहीं रही थी। हालांकि एक्शन ज़बरदस्त है पर बेतुका है। मूवी में एक अच्छी बात का मैसेज दिया गया है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। पूरी मूवी में शायद सिर्फ यही एक अच्छा एलिमेंट था। मूवी में एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेतुके थी, वो थी इसकी एक्ट्रेसेस। इस मूवी को कुछ अलग दिखाने की कोशिश में एक के बजाय दो एक्ट्रेसेस को लिया गया, जिसका सच में कोई सिर पैर समझ नहीं आ रहा। दोनों ही एक्ट्रेसेस का रोल कुछ खास नहीं है। दोनों ही सपोर्ट एजेंट्स हैं जो कि करणवीर सिंह डोगरा यानी विद्युत जामवाल के साथ लंदन में एक टॉप सीक्रेट मिशन को अंजाम दे रहे हैं। दोनों की एक्टिंग बहुत बुरी है। शुक्र है दोनों को ज़्यादा रोल या डायलॉग्स नहीं दिए गए, पर दोनों से ज़बरदस्ती का एक्शन करवाया गया जो कि और भी बुरा था। मूवी को कमर्शलाइज करने के लिए उसमें ज़बरदस्ती की तोड़फोड़ भी दिखाई दी। बात करें मूवी के विलेन की, जो निभा रहे हैं गुलशन देविया, जिनकी एक्टिंग अच्छी है। वो अपनी अच्छी एक्टिंग के लिए ही जाने जाते हैं, पर मूवी की खराब डायरेक्शन और वीक स्क्रिप्ट ने उनका सारा किरदार शुरू में ही खत्म कर दिया। ओवरऑल मूवी की स्क्रिप्ट, डायरेक्शन, डायलॉग्स, एक्टिंग, स्टोरी बहुत ही ज़्यादा वीक है। मूवी को विद्युत जामवाल की एक्शन और एक्टिंग ने संभाले रखा और कहीं ना कहीं थिएटर से मूवी खत्म होने से पहले उठने से रोक लिया। मूवी में दो तीन प्लॉट ट्विस्ट भी हैं जिनका कोई खास सिर पैर दिख नहीं रहा। मैं मूवी को ओवरऑल 1.3 स्टार दूंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। आपका क्या कहना है कमांडो 3 के बारे में कमेंट करके बता सकते हैं।